Hello everyone, in last video we have discussed about the array se related introduction types, kaise array mein algorithms mein ke through insertion karte hain, kaise deletion perform karte hain, applications kya hain, ye sab hum discuss kar chuke the. Now come to the sparse matrix. Aur sparse matrix basically aapki multi dimensional array ka ek example hai, jahan pe number of rows and number of columns mein aapki jo bhi values hain, entries hain, wo hoti hai, matlab multi dimensional array. नाउ सिंपल यदि मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स यदि मैं टू डायमेंशनल मैट्रिक्स की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है और इसका साइज कितना है, 3x3. सो दिस इज द बेसिक मैट्रिक्स जिसमें इट इज अ कॉम्बिनेशन विद नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. टू डायमेंशनल एरे की बात करें. नाउ स्पार्स मैट्रिक्स की बात करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड स्पार्स मैट्रिक्स? तो स्पार्स मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके पास में नंबर ऑफ जो एंटिटीज हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो जीरो ज्यादा हैं पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर. फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास में मैट्रिक्स है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में जीरो है तो जीरो को स्टोर करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं रिजल्ट पर. ठीक है, जीरो से आप एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ना है उसमें जीरो में. तो जो जीरो वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो जीरो वाले एलिमेंट्स को हम यहाँ से हटाकर नॉन जीरो वाले एलिमेंट्स को ही हम रखते हैं. तो स्पार्स मैट्रिक्स की यदि अपन बात करें तो द स्पार्स मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स दैट हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स देन द नॉन जीरो एलिमेंट्स. मतलब आपने क्या किया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो जीरो वाले वो बहुत ज्यादा है तो उनका कोई यूज नहीं है. कोई यूज नहीं है तो हम उन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा जीरो वाले एलिमेंट्स को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे तो हम नॉन जीरो वाले एलिमेंट्स को ही उस पर्टिकुलर पोजिशन पर ही फोकस करेंगे. व्हाई स्पार्स मैट्रिक्स इज यूज? Storing zero in a matrix of a no use, so storing zeros with non-zero element in a waste of memory. To avoid such wastage, we can store only non-zero elements. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? Non-zero elements को store करेंगे. इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो traversal time होगा किसी भी particular element को access करने का, traverse करने का matrix को, वो आपका reduce हो जाएगा और स्पेस स्टोरेज स्पेस भी बाय डिफॉल्ट आपका रिड्यूस होगा. नाउ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्पार्स मैट्रिक्स को? दो तरह से हम रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्पार्स मैट्रिक्स को, एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू. नाउ एरे के थ्रू यदि आप लिंक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, किस पर्टिकुलर रो में वो पर्टिकुलर नॉन जीरो एलिमेंट है, किस पर्टिकुलर कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट है और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है. ठीक है, तो ये आप यूज कर रहे हैं. एग्जाम्पल से समझाता हूं. लेट सपोज दिस इज अ स्पार्स मैट्रिक्स. यदि आप देखें तो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास में यहाँ बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो हमें सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है. तो फर्स्ट रो और सेकंड, फर्स्ट जीरो रो और फर्स्ट कॉलम पे आपके पास में क्या एलिमेंट मिल रहा है? 4. ठीक है, जीरो रो और थर्ड कॉलम पे आपके पास में क्या पर्टिकुलर वैल्यू है? 5. तो हम सिर्फ इन वैल्यूज से ही मतलब रखेंगे. मतलब यदि आप देखें तो ये मैंने टेबल बना के रखा है और इस टेबल में ये रोज हैं. ठीक है, जीरो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जीरो रो फर्स्ट कॉलम पे 4 वैल्यू स्टोर्ड है, इस पे ये वैल्यूज स्टोर्ड है. इट मींस यदि आप देखें तो नंबर ऑफ जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है सिर्फ हम उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर स्पार्स मैट्रिक्स को आप देखें जिसमें 4x4 साइज है, मतलब 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है, मतलब टोटल आपके पास में कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं इसमें? 16. बट इन 16 एलिमेंट्स में आउट ऑफ 16 यदि आप जीरो को देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 तो आपके पास में सिर्फ जीरो ही जीरो स्टोर्ड. ठीक है, अच्छा ये जो साइज है 2, 4, 5, 4x5 का, 5x4 का मैट्रिक्स है आपका, 5x4 का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 20 हो सकते हैं, बट आउट ऑफ 20 13 तो आपके पास में क्या स्टोर्ड है? ओनली जीरोस स्टोर्ड है. ठीक है, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स को मुझे यहाँ पे रखना है. तो यदि आप देखें तो 5x4 5 रोज एंड 4 कॉलम्स में आपने 7 एलिमेंट्स को ही यहाँ पे स्टोर करके रखा है. तो इससे क्या हुआ? इससे एक्सेसिंग टाइम आपका रिड्यूस होगा. नाउ यदि एरे एडवांटेज की बात करें तो हम एरे रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे हेल्पफुल है. क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि एक्सेसिंग एलिमेंट्स को हम बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बेस एड्रेस. ये सारी चीजें हम देख चुके हैं. नाउ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में आपके पास में क्या क्या होगा? यदि आप लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में मेरे पास में नंबर ऑफ यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू है, एक नोड है, उस नोड में आपके पास में दो चीजें हैं, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट है और दूसरा आपके पास में एड्रेस पार्ट है.
ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या क्या चीजें होंगी, रोज होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, वैल्यू होगी, बस नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा वो आप स्टोर करके रखेंगे। तो यहाँ पे यदि आप नोड स्ट्रक्चर देखें इसका तो सेम है, नंबर ऑफ रो कॉलम वैल्यू, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा लिंक्ड लिस्ट में, क्योंकि हम नेक्स्ट नोड की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं तो नेक्स्ट नोड का यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, जो मेरी 4x4 मैट्रिक्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 16 हो सकते हैं। 16 एलिमेंट्स में से ये जीरोज आप यहाँ से हटा दीजिए तो टोटल 11 जीरोज हैं, और नंबर तो 5 आपके पास में नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो इन नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही मैं सिर्फ स्टोर करूंगा। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करूंगा, नॉन जीरो एलिमेंट को स्टोर करने के लिए मेरे पास एक नोड है, जीरोथ रो सेकंड कॉलम, ठीक है, क्या वैल्यू है मेरे पास 1, और इसके नेक्स्ट वाले नोड का जो एड्रेस है वो एड्रेस मैं यहाँ पे स्टोर करके रखूंगा, ठीक है। तो यदि आप देख सकते हैं तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करके रखा है, दिस इज अ लिंक रिप्रेजेंटेशन। तो आपको क्या करना पड़ा, ओनली 5 एलिमेंट्स को स्टोर करना पड़ा आउट ऑफ 16, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक्सेसिव टाइम को यूज कर सकते हैं। इंसर्शन और डिलीशन दोनों हेल्पफुल है आपका, यदि आप एरे से कंपेयर करें तो लिंक लिस्ट के केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास में डिफरेंट केसेस हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।